का कुर्बानी के वजह से जो आत्मविश्वास जो आ गए वही आत्मविश्वास से हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में आज आप शाह के बारे में कल आने वाले दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बनाएंगे इंडिया हैबिटेट सेंटर में बनाएंगे कल रामलीला मैदान में लाखों लोगों से हम सेरोस नेटवर्क शिक्षा के बारे में स्वास्थ्य के बारे में स्वावलंबन के बारे में साथियों नमस्कार आज आर एस प्रवीण दिल्ली पहुँचे हैं स्वराज नेटवर्क के माध्यम से उन्होंने उत्तरी दिल्ली में भी खासकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर भी अपना नेटवर्क फैलाया है जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं क्यों जरूरत पड़ी तेलंगाना से यहाँ तक आने की सर पहले नहीं सर। नहीं ये हम भारत वर्ष में अट्ठाईस आट, आट, राज्य है तेलंगाना एक राज्य है जी, 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 तो राज्य तक पहुँच गए सर <laughs> पहुँचने वाले आने वाले दिनों में जरूर पहुँच जाएंगे आज हमारा उत्तर भारत की कोऑर्डिनेटर जसवंत जी ने हमें बुलाया है और 30 जून को हमें उत्तर भारत में स्वेरोस नेटवर्क का पहला कन्वेंशन लगा रहे तो उसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए यहाँ आएँ बहुत अच्छा लग रहा है आज दिल्ली के क्षेत्र में हम स्वेरोस नेटवर्क का मीडिया कॉन्फ्रेंस लगा रहे और आने वाले दिनों में ज़रूर स्वेरोस नेटवर्क एक बहुत ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनेगी इसके वजह से लाखों लोग शिक्षित बनेंगे बाबा साहब जैसा महात्मा ज्योतिराव फुले जैसा लाखों लोग शिक्षित बनेंगे और अपना ना केवल अपना जिंदगी पूरा अपना समाज के ज़िंदगी समाज के भविष्य को लोग बदलेंगे यही उम्मीद से हम काम कर रहे हैं सर एक एक सवाल है आपने शाह का नाम लिया वो नई दिल्ली में आता है एक समय था जब वहाँ पर एक बोर्ड लगे होते थे अंग्रेजों के भारतीय और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है भारतीय और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है और दलित समाज का तो नाम ही नहीं था कहीं दूर दूर तक उसके अंदर सभी समाज के लोग आते थे और आज दलित समाज के लोग नई दिल्ली के अंदर इस तरह के कन्वर्सेशन अपने छात्रों के लिए कर रहे हैं तो क्या मोटिवेशन इस पर यही बदलाव है? है इसको इसका क्रेडिट पूरा बाबा साहब को देना चाहिए जो आत्मविश्वास जो बाबा साहब ने हमको अपना संविधान के वजह से अपना कुर्बानी के वजह से जो आत्मविश्वास जो आ गए वही आत्मविश्वास से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में आज आप शाह के बारे में कल आने वाले दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बनाएंगे इंडिया हैबिटेट सेंटर में बनाएंगे कल रामलीला मैदान में लाखों लोगों से हम सेरोस नेटवर्क शिक्षा के बारे में स्वास्थ्य के बारे में स्वावलंबन के बारे में शिक्षा के क्रांति के बारे में हम जरूर बहुत बड़ा मीटिंग जली में लगाएंगे सर सर, सर जिस समाज से हम आते हैं दलित पिछड़ा बहुत ही गरीब समाज है निम्न स्तर का समाज है उनके लिए सरकारों ने प्रति काम किया सरकारी स्कूल खोले वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग ढाई लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं ऐसे में आप कल्पना कर रहे हैं लोग हमारे बच्चे आठवीं दसवीं तक पास तक नहीं कर पाएंगे गरीबी के रेखा के नीचे तो आप कैसे उनको इस प्रॉब्लम बनाने की सोच रहे हैं देखिए हमारा समाधान इसके लिए हमारा जवाब जो है परिवर्तन पाठशाला जो, 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 जो सरकारी स्कूल बंद हो गए वो तो बहुत दुख की बात है सरकार जब स्कूल खोलते हैं स्कूल बंद नहीं होना चाहिए जैसा हम मंदिर खोलते हैं मंदिर नहीं बंद होता कभी देखिए तो सरकार स्कूल जब सरकार स्कूल या छात्रावास खोलती है तो कभी भी वो बंद नहीं होना चाहिए एक भी अगर छात्र आ गए तो भी स्कूल चलाना चाहिए ये रूल है लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार ये बंद किया और क्या बोल रहे तो ये बहुत बड़ा दुख की बात है ये ऐसा नहीं होना चाहिए गरीब लोगों के खिलाफ ये तो जुर्म है और दूसरा चीज़ जो है हमारा समाधान ये है हमारा आंसर ये है कि हम परिवर्तन पाठशाला खोलेंगे कि सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे हम हमारे समाज में जो भी शिक्षित है जो भी अच्छे शिक्षित है जो भी ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट है ऐसे बंदों को हम समाज में परिवर्तन पाठशाला खोलने के लिए प्रेरित करेंगे और वो खुद एक शिक्षक बन लोगों को काउंसलिंग करेंगे और ट्यूशन चलाएँगे और लोगों को कामयाब कराएंगे। आपने स्लोगन दिया मैं भी आई एस पी सी एस इसके पीछे क्या मलसर है क्यों 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 नहीं हम नहीं बनना है क्यों गरीब लोग आई ए एस नहीं बनना है क्यों गरीब लोग आईपीएस नहीं बनना है क्यों गरीब लोग एक फाइटर जेट पायलट नहीं बनना है आर्मी का कैप्टन क्यों नहीं बने गरीब लोग क्यों विदेश नहीं जाना है तो अपने समाज में बाबा साहब के कुर्बानी की वजह से कई लोग आई एस बन गए मगर वो लोगों के बारे में अपने समाज को ज़्यादा जानकारी नहीं है तो इसीलिए वो कामयाबी लोगों को अपना समाज के सामने खड़ा करके देखो भाई ये लोग भी आपके जैसे गरीब थे इसके फैमिली भी गरीब थे लेकिन आज वो गरीबी का जंजीरों तोड़ के आज आई एस आई बन गए आप भी बन सकते करके बताने के लिए हम एक जून थर्टी को शार्ट टोरियम में बनाए छात्रों से क्या अपील करेंगे जो निम्न स्तर के आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरह आई एस बनना चाहते हैं कभी भी निराश होने का जरूरत नहीं है अपना गाँव से बाहर निकलो शहर आओ शहर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है वो अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढो और मार्गदर्शन को ढूंढो मार्गदर्शन को शे उसके पास जाके उसका मांगो कि अब मुझे बता दो मैं कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ाना करके निराश न होने का है हमेशा आशावादी बनने का है आशावादी बनने से काफ़ी सारे चीज़ों का परिष्कार मिलेगा धन्यवाद बहुत निराश ना हो गांव छोड़ो शहर की तरफ पहुंचो शहर में अपॉर्चुनिटी है गाँव के बनस्पत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ये कहना है आई परवीन आई एस परवीन साहब का तीस तारीख को शाह ऑडिटोरियम में एक बहुत बड़ा अधिवेशन है आप लोग भी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में है उसके अंदर लिंक मिल जाएगा आप लोग भी अपना फॉर्म उसके अंदर सबमिट कर सकते हैं वीडियो के बारे में क्या रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें धन्यवाद